बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी अत्या कौसर एंड यू आर वाचिंग लाइफ विद अत्या यूट्यूब चैनल। तो क्योंकि गर्मियों का मौसम है, इसमें दिल करता यही है इंसान का कि कुछ ना कुछ वो ठंडा पीता रहे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कच्चे आमों का शरबत, यानी कि अम्बियों का शरबत जिसको हम अम्बी भी बोलते हैं। इसका हम शरबत बनाएंगे, बहुत ही रिफ्रेशिंग सा होता है और गर्मियों की शिद्दत को कम करता है। तो इस वजह से गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, रेसिपी को जानने के लिए आपने पूरा एंड तक इसको देखना है, कहीं से भी आपने स्किप नहीं करना। बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स आपकी इसलिए से रह जाती हैं कि आप वीडियो को स्किप कर देते हैं, तो वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, पूरी वीडियो देखनी है और जो जो तरीका मैं आपको बताऊंगी उसको वैसे ही फॉलो करना है। तो इस शरबत को आप बना के रख सकते हैं और 15 से 20 दिन तक आप आराम से यूज़ कर सकते हैं इसको, यानी कि आप इसको सेव कर सकते हैं। और अगर आप फ्रिज में रखें तो ये एक महीने तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जल्दी से हम शुरू कर लेते हैं कि हम इस शरबत को किस तरह से बनाएंगे। इसके लिए मैंने कच्चे आम ले लिए हैं, ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब करीब हैं। अब इनको हम क्या करेंगे कि इनके हमने जो छिलके हैं वो इनको हमने पील ऑफ कर लेना है, यानी कि इनके छिलके उतार लेने हैं। ये देखिए, जिस तरह से मैंने इसका छिलका उतार लिया है, तो हमने करना क्या है कि हमने सब आमों के इसी तरह से छिलके उतार लेने हैं और इनको छोटे छोटे स्लाइसेस में काट लेने हैं और इसके जो मिड में इसका जो सीड होता है उसको हटा देना है। ये देखिए, ये सीड निकल गई है और ये हमने सारा इस तरह से पल्प इसका निकाल लेना है। इसी तरह से जो हमारे बाकी आम हैं हमने उनको भी पील ऑफ करके और इसके छोटे छोटे से ऐसे रैंडमली हमने इसके पीसेस काट लेने हैं। सारे मैंगोज जो हैं वो काट लिए हैं, उसके चंक्स कर लिए हैं। अब हमें चाहिए एक सॉस पैन और इस सॉस पैन में हम ये जितने भी हमारे मैंगोज हैं वो डाल देंगे और इसमें तकरीबन 1 लीटर हम पानी डाल देंगे। तो इसे पकाएंगे यहाँ तक कि जो मैंगोज के चंक्स हैं ये अच्छी तरह से गल जाएं। ये देखिए, ये गल चुके हैं। उसको जो हमने उबाले हैं उसमें डाल देंगे। से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड हो चुका है, बस ब्लेंड कर लिए, वो इसमें डाल देंगे। और 2 कप हम इसमें चीनी डाल देंगे। तीन चार कतरे हम ग्रीन फूड कलर लेंगे और इसे थोड़ा सा मज़ीद पका लेंगे 3-4 मिनट के लिए। ये बॉईल होना शुरू हो गया है। तो ये हमारा ज़बरदस्त रिफ्रेशिंग शरबत तैयार हो चुका है। इसको आप ठंडा करके किसी भी बॉटल में भर के फ्रिज में रख सकते हैं और जब चाहे इसको एंजॉय कर सकते हैं। बनाना आपने किस तरह से है कि आपने ग्लास में ये जो लिक्विड बनाया है वो डालना है और ठंडा पानी डाल देना है। अगर आइस क्यूब्स डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं और इसको मिक्स कर लेना अच्छे से। रेसिपी हमारी कंप्लीट हो गई है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।